सेकंड हैंड बाइक खरीदते टाइम ना बेवकूफ मत बन जाना। अगले एक मिनट में मैं आपको बता दूंगा कि आपको सेकंड हैंड बाइक का इंजन कैसे चेक करना है। सबसे पहली चीज आपको ऐसे चेक करना है कि इंजन को आप ठंडी कंडीशन में स्टार्ट करिए, क्योंकि ठंडे इंजन को आप स्टार्ट करेंगे तो इंजन में कोई भी अगर खराबी होगी तो उसकी एबनॉर्मल आवाज ठंडे इंजन में आप आसानी से पकड़ पाएंगे कि उसमें खराबी है। वहीं गर्म इंजन में नॉर्मली भी आवाजें बढ़ जाती है तो उसमें आप खराब आवाज नहीं पकड़ पाएंगे कि कोई से पार्ट में खराबी है। दूसरी चीज आपको बताएगी कि इंजन खुला हुआ है या नहीं। उसमें आपको यह चेक करना है कि जो भी कवर्स इंजन की केसिंग है उसमें जो सॉल्वेंट है, जो सिलिकॉन है, वो बाहर नहीं निकला होना चाहिए। तीसरी चीज आपको चेक करनी है इंजन के सारे बोल्ट्स बहुत बारीकी से आपको देखना है, जितने नट बोल्ट हैं कि उन नट बोल्ट्स पर निशान तो नहीं। अगली चीज आपको इंजन के माउंटिंग बोल्ट्स चेक करने हैं, जिस बोल्टों पे इंजन कसा हुआ है चेसी के साथ उन बोल्ट्स को आपको जरूर चेक करना है कि उन बोल्ट्स वो खुले तो नहीं है। अगली चीज आपको चेक करनी है कि इंजन धुआं तो नहीं दे रहा है, सफेद धुआं इंजन से किसी भी हाल में हल्का सा भी नहीं आना चाहिए। अगली चीज आपको ऑयल की विंडो में से चेक करनी है कि इंजन ऑयल उसमें पूरा होना चाहिए। अगर इंजन ऑयल कम है मानी कि ऑयल गाड़ी खा रही है, और ऑयल गाड़ी जब खाएगी जब गाड़ी धुआं देगी। अगली चीज आपको चेक करनी है कि इंजन ऑयल जो है वो व्हाइट नहीं होना चाहिए। अगर इंजन ऑयल व्हाइट हो गया मतलब ऑयल और कूलेंट मिक्स हो रहा है इंजन के अंदर। अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुई हो तो वीडियो को लाइक का बटन दबा दीजिए।